हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल किड्स होम ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शंस के ऊपर हम आज ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस हैं। तो प्लस माइनस करने वाले हैं भाई आज हम, और यहाँ पर हम ऐसे फ्रैक्शंस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। आप देखिए किस तरह से सेम है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर प्रॉब्लम ली है 2/4 प्लस 3/4। तो देखिए यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शंस के एडिशन करने वाले हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे, और ओनली टू फ्रैक्शंस पर ही हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 3, 4, 5, 6 कितने भी हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, पर शुरुआत में हम ओनली टू फ्रैक्शंस को ही ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन दिए हैं तो किस तरह से ऐड करना है, देखिए यहाँ पर 2/4 प्लस 3/4 है, तो जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं सेम है। जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम उन्हें कॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये है उनके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर तो हमने कॉमन लिख लिया, अब यहाँ लिखेंगे हम 2 + 3। तो भैया न्यूमिनेटर में जो है वो ऐड कर लो, 2 और 3 5, एंड न्यूमिनेटर हमारे हो गए 5, एंड डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 4। तो ये जो फ्रैक्शन हमें मिली, फाइनल फ्रैक्शन, वो हमें मिली है 5/4। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये है 3/7 प्लस 1/7। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे कि भाई हमारे जो डिनोमिनेटर है सेम है दोनों फ्रैक्शन में, तो इसको हमने कॉमन ले लिया और न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4, और डिनोमिनेटर कितना है 7 है, तो ये हमारा हो गया 4/7। हमारा आंसर के फ्रैक्शंस हो गए ये। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 4/9 प्लस 2/9। इनको ऐड करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ये हमने यहाँ पर 9 लिया है कॉमन, एंड 4 + 2 कर देंगे। 4 + 2 हो गया 6, एंड बाय 9, 6/9 हमारी फाइनल फ्रैक्शन। 4 यहाँ है 1/2 एंड 1/2। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लिया हमने डिनोमिनेटर से, एंड 1 + 1 = 2। तो 2/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन है दोस्तों हमारी 7/8 एंड 4/8। तो कैसे करेंगे, 8 कॉमन लिया, 7 + 4 = 11/8। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है, टू फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले टू फ्रैक्शंस को ऐड करना सिखाया जाता है, फिर 3 धीरे धीरे करके, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल आज टू ही फ्रैक्शंस पर ये एडिशन हमने सीखा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं परफॉर्म। यहाँ हमारा है 9/6 -3/6। तो जैसे हमने एडिशन किया है बिल्कुल वैसे ही इनका सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन के, तो उसे कॉमन ले लेंगे हम, एंड न्यूमिनेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 3। तो वही ये हो गया 9 - 3 मीन्स 6/6। तो ये हमारे फ्रैक्शन में आंसर है। अगर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए, आंसर को हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, इसलिए है ना। तो आज हम यही हमारा फाइनल आंसर रखेंगे, एंड सेकंड 5/2 - 1/2। तो यहाँ देखिए फिर से डिनोमिनेटर्स सेम है तो कॉमन ले लिया, एंड ये हमारा जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन 5 - 1 तो कितना होगा, 5 - 1 हो गया हमारा 4, 4/2।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड, 5/9 - 4/9, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, 5 - 4 - 1 - 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6/7 - 3/7। 6 - 3 and 7 कॉमन है तो ये हो गया 6 - 3 - 3 and 7, दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, फिफ्थ जो हमारा है 5 नंबर का, वो है 7/8 - 5/8। तो देखिए 7 - 8 - 5/8, तो यहाँ पर देखिए वही है, न्यूमिनेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर इस तरह से जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा हमारा 2/8। तो दोस्तों ये है सबसे आसान तरीका किस तरह से फ्रैक्शंस पे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको इसी तरह और भी एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।